डियर स्टूडेंट होप यू विल बी फाइन टूडे वी विल स्टडी अबाउट द फ्री पॉइंटर इन सी लैंग्वेज जैसा कि आपको पता है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हम मैलक कैलक और रियलक फंक्शन का यूज़ करते हैं जो भी मेमोरी आप डायनेमिकली एलोकेट करते हो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे आप फ्री करें आपको बताया गया है कि जो हमारी सी लैंग्वेज है वो स्टैटिकली एलोकेटेड लैंग्वेज है मीन्स कंपाइलेशन टाइम पर ही सारा का सारा एलोकेशन हो जाता है मेमोरी के रिकॉर्डिंग आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है आपने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है आपने एरे डिक्लेयर की है तो जितना भी मेमोरी रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी स्टेटिकली एलोकेट होगी कंपाइलेशन टाइम पर एलोकेशन हो जाएगा डायनेमिक एलोकेशन आपका रन टाइम पर होता है बट सी लैंग्वेज में डायनेमिक एलोकेशन करने के लिए आपको मेथड्स का यूज़ करना होता है जो कि आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच फाइल में दिए गए हैं स्टूडेंट्स इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोग्रामर टू फ्री और डी एलोकेट्स द मेमोरी प्रीवियसली एलोकेटेड बाय ए कॉल टू कैलक मेलक और रियलक फंक्शन ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी मेमोरी उसने डायनेमिकली एलोकेट की है वो उसको फ्री करे अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो हो सकता है कि एक समय पर इस इनसफिशिएंट मेमोरी की एरर आ जाए क्योंकि मेमोरी ऑक्यूपाइड होती रहेगी मेमोरी को फ्री नहीं किया जाएगा तो एक समय ऐसा आ सकता है कि हमारे पास में प्राइमरी मेमोरी प्रोग्राम को रन करने के लिए अवेलेबल ना हो क्योंकि सी में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन नहीं होता है जो भी अनयूज ब्लॉक हो जाते हैं उनको ऑटोमेटिक कलेक्शन नहीं किया जाता है अगर आप डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स अगर आप फ्री पॉइंटर को देखिए फ्री बेसिकली पॉइंटर है बट इसको एक मेथड की तरह यूज़ किया जाता है ये जिस जिस पॉइंटर ने मेमोरी को ऑक्युपाइड किया है अगर आप उसको फ्री करना चाहते हो तो आपको उसका रिफरेंस यहाँ पर देना होता है ये पॉइंटर भी जो होता है आपका वाइड रिटर्न आपको करके देता है मीन्स कोई भी वैल्यू यहाँ पर रिटर्न नहीं होती है देखिए यहाँ पर जो आपने एस्ट्रिक पी टी आर यूज़ किया है दिस इज़ द पॉइंटर टू ए मेमोरी ब्लॉक प्रीवियसली एलोकेटेड विद मेलक कैलक और रियलक फंक्शन टू बी डी एलोकेटेड ये जो पॉइंटर है ये ऐसे ब्लॉक्स को दिखाता है जो कि प्रीवियसली मेलक फंक्शन की हेल्प से कैलक फंक्शन की हेल्प से रियलक फंक्शन की हेल्प से एलोकेट की गई है मेमोरी और उसको आपको डी एलोकेट करना होता है इफ़ ए नल पॉइंटर इज़ पासड एज एन आर्गूमेंट नो एक्शन अकर्स अगर आप यहाँ पर किसी नल पॉइंटर को पास करते हैं तो यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं होगा स्टूडेंट्स फ्री पॉइंटर के बारे में अगर हम बात करें तो फ्री पॉइंटर एक फंक्शन की तरह बिहेव करता है इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी आपको यहाँ पे सिंटेक्स बताया गया है एक तो एक तो यहाँ पर ये पॉइंटर को रिसीव करेगा जो उस मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहा होगा जिसको आगे डी एलोकेशन करना है दूसरा इसके आगे व्इट लगा हुआ है मींस ये फंक्शन कोई भी ये पॉइंटर कोई भी वैल्यू को रिटर्न करके नहीं देता है दूसरा इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है जैसे कि आपको बताया गया नल पॉइंटर अगर आप पास करते हैं यहाँ पर तो कोई भी एक्शन नहीं होगा स्टूडेंट्स अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हमने कि फ्री पॉइंटर का यूज़ किया है मेमोरी को पहले एलोकेट किया उसके बाद में उसको डी एलोकेट किया है तो सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल बनाई हेडर फाइल में हमने क्या किया आ, इंक्लूड किया इसके बाद हमने एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड किया देखिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एक डॉट एच एक ऐसी हेडर फाइल है जिसमें मैलक फंक्शन के रिगार्डिंग कैलक फंक्शन के रिगार्डिंग रियल फंक्शन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी हुई है अगर आप किसी भी फंक्शन को यूज़ करना चाहते हो तो उससे पहले आपको उसकी करस्पॉन्डिंग फाइल को ऐड करना होता है इसके बाद स्ट्रिंग डॉट एच हडरफाइल है जिसमें हमारे पास में ऐसे बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं जिसकी हेल्प से हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करते हैं देखिए मैंने आपको बताया है कि अगर आप किसी एक सिंगल कैरेक्टर को लिखते हैं तो उसको हम सिंगल कोट में अंक्लोज करते हैं यहाँ पर अगर हम डबल एलोकेट्स यूज कर लेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा स्ट्रिंग कहलाएगा स्ट्रिंग बेसिकली क्या है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है हमें कह सकते हैं स्ट्रिंग इज़ ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर देखिए स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें वहाँ पर करेक्टर एरे बनानी पड़ती है स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया एक कैरेक्टर का पॉइंटर बनाया इसके बाद में मैलक फंक्शन की हेल्प से हमने यहाँ पे 15 ब्लॉक्स एलोकेट किए मैलक फंक्शन के बारे में आपको बताया गया है कि जो हमारा मैलक फंक्शन होता है वो सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी को एलोकेट करता है देखिए 15 ब्लॉक्स वन बाइट ऑफ मेमोरी यहाँ पर एलोकेट हो रही है हमने यहाँ पे 15 ब्लॉक्स एलोकेट किए मैलक फंक्शन वाइड रिटर्न करके देता है बट यहाँ पर हमारे पास में क्या है जो पॉइंटर है किस टाइप का है करेक्टर टाइप का है तो आप पहले इसको क्या करेंगे टाइप कास्ट करेंगे तो इट मीन्स हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या कर दिया टाइप कास्ट कर दिया नाउ एस टी आर सी पी वाई ये एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम किसी भी स्ट्रिंग को कॉपी कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल में कैरेक्टर वेरिएबल में और स्ट्रिंग वेरिएबल में देखिए स्ट्रिंग पॉइंटर है फिफ्टीन ब्लॉक्स इस पर अवेलेबल हैं आपने यहाँ पे ए बी पी लिखा ये स्ट्रिंग इसमें जाके कॉपी होगी मींस जो भी हमारे पास में ये पॉइंटर है इसके पास में कितने ब्लॉक्स हैं फिफ्टीन ब्लॉक्स हैं मींस फिफ्टीन यहाँ पे हमारे पास में बाइट होंगी ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ इसके बाद में यहाँ पर ए बी पी ये आके यहाँ पे कॉपी हो जाएगा नाउ स्टूडेंट्स अब हम अब हम इसको कॉपी करेंगे सबसे पहले हमने क्या किया स्ट्रिंग परसेंटाइल एड्स एड्रेस के लिए परसेंटाइल यू यूज़ किया है हमने और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं एस टी आर एस टी आर प्रिंट कर रहे हैं तो जो भी स्ट्रिंग है ए बी पी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा और उसका एड्रेस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास में मेलक फंक्शन होता है कैलक फंक्शन होता है अब हम यहाँ पे री एलोकेशन करेंगे री एलोकेशन जो मेमोरी आपने प्रीवियसली एलोकेट की है उसको रिसाइजिंग की जाती है आप उसके साइज़ को कम कर सकते हैं डिक्रीज़ कर सकते हैं उसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर रीअलग फंक्शन की हेल्प से हमने क्या किया इसके साइज़ को क्या कर दिया इंक्रीज़ कर दिया नाउ स्टूडेंट्स री एलग फंक्शन में हमने दो चीज़ें पास की एक तो पॉइंटर जो कि उस मेमोरी को पॉइंट आउट करेगा जिसको कि मुझे इंक्रीज़ करना है या फिर डिक्रीज़ करना है इसके बाद में कितने ब्लॉक्स मैं एलोकेट करना चाहता हूँ पहले फिफ्टीन ब्लॉक्स थे मैंने क्या कर दिए ट्वेंटी फाइव ब्लॉक्स कर दिए नाउ स्टूडेंट्स अब इस स्ट्रिंग में हम दोबारा एस टी आर सी ए टी देखिए यहाँ पे दो फंक्शन आपको बताए गए एक तो एस टी आर सी पी वाई बताया गया एस टी आर सी पी वाई जो होता है स्ट्रिंग को कॉपी करने के काम में आता है और एस टी आर सी ए टी जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है ऐड कर देना तो इट मीन्स हम डॉट कॉम को ऐड करना चाह रहे हैं तो इस फंक्शन ही डॉट कॉम क्या हो जाएगा एस टी आर में जाके कॉमकैटिनेट हो जाएगा ऐड हो जाएगा मीन्स हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं प्लस ऑपरेशन तो यहाँ पे डॉट लिखा जाएगा सी आएगा ओ आएगा एम आएगा नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद हम दोबारा इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ़ स्ट्रिंग परसेंटाइल एस एड्रेस परसेंटाइल्यू एस टी आर एस टी आर तो यहाँ पे जो प्रिंट होके आएगा वो आएगा हमारे पास में ए बी पी डॉट कॉम और स्ट्रिंग जो भी इसका एड्रेस होगा वो यहाँ पे एड्रेस प्रिंट हो जाएगा नाउ हमने पहले मैलक फंक्शन की हेल्प से मेमोरी को क्या किया एलोकेट किया फिर रियल फंक्शन की हेल्प से हमने मेमोरी को दोबारा री कर दिया उसके साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया और इसके बाद में हमने यहाँ पे फ्री पॉइंटर का यूज़ किया तो आपने देखा जो भी पॉइंटर उन ब्लॉक्स को पेंट आउट कर रहा है वो पॉइंटर हमने यहाँ पे पास कर दिया तो जो भी मेमोरी यहाँ पे एलोकेट हुई है वो आपकी यहाँ से क्या हो जाएगी डी एलोकेट हो जाएगी मींस मेमोरी को फ्री कर दिया गया है ये हमारा अनयूज्ड मेमोरी है अब कोई नेक्स्ट वेरिएबल या फिर नेक्स्ट स्ट्रिंग वेरिएबल या फिर एरे इस मेमोरी को यूज़ कर सकती है नाउ स्टूडेंट्स नाउ स्टूडेंट्स अब हम एक प्रोग्राम और देखते हैं इस प्रोग्राम में हम पॉइंटर को क्रिएट करेंगे मेमोरी को कैलेक्ट फंक्शन से एलोकेट करेंगे उसके बाद में दोबारा हम उसको डी एलोकेशन हम यहाँ पे री एलोकेशन हम नहीं कर रहे हैं हम यहाँ इस इस मेमोरी को फ्री पॉइंटर की हेल्प से प्रिंट फ्री कर फ्री करेंगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पर चार वेरिएबल डिक्लेयर किए एक हमारे पास में एन वेरिएबल है एक हमारे पास में आई वेरिएबल है एक हमने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया एक, एक सम नेम का हमने वेरिएबल लिया तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहे हैं एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स आप यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं तो नाउ स्टूडेंट्स एड्रेस ऑफ एन आया नाउ अब यहाँ पर इंटीज़र टाइप के एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे हमने साइज़ ऑफ इंट लिखा सपोज यूज़र यहाँ पे फोर एलिमेंट्स को एंटर करना चाह रहा है तो फोर यहाँ पे कॉमा आएगा यहाँ पर साइज़ ऑफ इंट साइज़ ऑफ इंट कितना होता है हमारा टू होता है टू बाइट्स इन केस ऑफ थर्टी टू बिट में ऑपरेटिंग सिस्टम फोर टू जट इट मीन्स एट बाइट्स ऑफ मेमोरी यहाँ पर एलोकेट हो जाएगी नाउ कैलक फंक्शन भी वॉइड को रिटर्न करता है तो पहले हमने इसको टाइप कास्ट किया इंटीजर में नाउ आपको ये बताया गया है कि जो मैलक फंक्शन है कैलक फंक्शन है वो हमारे लिए वो कैलक फंक्शन है या फिर कैलक फंक्शन है वो हमें वॉय रिटर्न करके देते हैं अगर मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेट होती है अगर मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेट नहीं होती है तो वो हमारे लिए नल रिटर्न करके देते हैं तो इफ़ मेमोरी इज़ नॉट सक्सेसफुली एलोकेटेड तो यहाँ से क्या रिटर्न हो आएगा नल रिटर्न हो आएगा इफ़ पॉइंटर इज़ इक्वल टू इक्वल टू नल अगर पॉइंटर की वैल्यू नल है तो हम यहाँ पे एक एरर मैसेज शो कर देंगे क्या प्रिंट एफ एरर मेमोरी नॉट एलोकेटेड एग्जिट कर दीजिए यहाँ से सिस्टम आपका प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा नाउ स्टूडेंट्स एंटर एलिमेंट्स हमने लिखा फॉर आई इक्वल टू जीरो आई इज़ लेस देन एन प्लस प्लस आई सम प्लस इक्वल टू एस ट्रिक पी टी आर प्लस आई इट मीन्स जो भी आपने यहाँ पे ब्लॉक एलोकेट किए हैं जो हमने फोर ब्लॉक्स एलोकेट किए हैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर आएगा इनका जो भी नंबर आपने यहाँ पे एंटर किए फोर सिक्स नाइन ट्वेल्व इन सब का सम यहाँ परफॉर्म होगा तो यहाँ ये यह हमारा इनडायरेक्शन ऑपरेटर है आपको बताया गया है इन डायरेक्शन ऑपरेटर की हेल्प से हम डायरेक्टली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं सम नेम के वेरिएबल में यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू फाइंड आउट होगी और ये जो हमारी वैल्यू है ये यह ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड होती चली जाएगी लास्ट में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सम नेम के वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं और ये फ्री फ्री फंक्शन है फ्री पॉइंटर इसमें हमने क्या कर दिया पॉइंटर पास 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 कर दिया तो पॉइंटर जिस मेमोरी को भी पॉइंट आउट कर रहा है वो मेमोरी यहाँ से फ्री हो जाएगी स्टूडेंट्स तो आपने देखा कि जो हमारा फ्री पॉइंटर है वो मेमोरी को जो मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट हुई है उसको रिलीज़ करने के काम में आता है जिससे कि इस मेमोरी को दोबारा यूज़ किया जा सके मैं आशा करता हूँ तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा फ्री पॉइंटर होता है उसका बेसिक वर्क ये है कि जो मेमोरी आपने मैलक फंक्शन से कैलक फंक्शन से प्रीवियसली एलोकेट की है उसको हम रीअलग फंक्शन से दोबारा उसका रीएलोकेशन किया है उसको हम फ्री करें जिससे कि इस मेमोरी को दोबारा यूज़ किया जा सके मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में होगा धन्यवाद